चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। सतगुरु की ज्ञान बुद्धि लेना है तो अनिवार्य है कि किसी अनुभवी आदमी जो होता है इसका, उसके सत्संग में जाओ, बात सुनो, अच्छी बैठ जाती है दिमाग में तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता तो जहाँ अच्छा लगता वहाँ जाओ। सत्संग वो है जिसको सुन के आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप जाने को जी करता है, जिसकी बात सुनने को जी करता है, जिसके प्रति श्रद्धा है। और वैसे श्रद्धा नहीं है ऐसी बेड़ी चाल में तो कोई लाभ नहीं। इन पर यह है कि चल सतगुरु की हाट ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि देता सतगुरु और कुछ नहीं देता, समझ देता है कि क्या है खेल और बुद्धि देता है, तो वो सही करता है। और उसके जाने के लिए उसके अच्छा लगे तो वो सतगुरु वो बाई होगी आपके लिए, अगर अच्छा नहीं लगा आपको विश्वास नहीं आया तो छोड़ दो, कोई विश्वास का खेल विश्वास की जड़ पर है। जिस महात्मा को आपको जिसकी वाणी अच्छी लगती है, जिसका फेस अच्छा लगता है, जिसकी बातें अच्छी ठीक लगती हैं और सच मालूम होती हैं या अच्छा लगता है, उसे जाओ। और आपके विचार के मुताबिक नहीं है तो बदलो, दूसरा बदलो, तीसरा बदलो, समझे रहे। एक गुरु को कहिए दूसरा करो मत करो मतलब बन रखा, कुछ दिन टेस्ट कराया सुनिया बड़ी वचन सुनिया कोई पल नहीं पड़ा छोड़ दिया, मतलब कितने बदलो चाहे कोई बात को नहीं। अभी एक गुरु बन देते एक है बात तो ठीक है वो, पर एक कहाँ जहाँ मन लग जाए जिस पर विश्वास हो तब तो वो एक को ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो सतगुरु की हाट से ये ज्ञान जो है अनुभवी, सतगुरु कहते हैं सच्चे ज्ञान को, सच्चाई को जानने वाले को, सत्य क्या उसको जानने वाले को, और जिस पर अमल करता है। और उसकी कोई लाभ तो आज करिए हम क्या क्या लाभ तोल करेंगे उसकी, उसकी लाभ तुलेगा आपको अच्छा लगे ना कि ये बात ठीक है और विश्वास है तो जाओ, और उसको कमी दिखाए बस जाओ, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब समझे नहीं, सब आपके मानने पर है बात। और हम बेड़ी चाल में जाते हैं तो कहते सतगुरु की पहचान, भाई सतगुरु का क्या पहचाना जाता है, ये वो बातें हजार करते हैं तो पहचाने जाता है, आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छा है और घटिया लगता है घटिया है। जो कहते हैं नथिंग गुड नथिंग बैड इज यू थिंक सो इट, न कुछ बुरा है न कुछ भला जैसे आप सोचते हो वैसा है, न कुछ बुरा है न कुछ भला, जिसको बुरा सोचते हो तो बुरा है, भला सोचते हो भला है, है ही नहीं समझ बात। तो इसमें यह कहा गया, अभी मैं आपको जो सत्संग दे रहा हूँ ये पहले दिया हुआ है मैंने कई बार, लेकिन आज आपको इसलिए देता हूँ कि क्योंकि आपके पास इसी ख्याल से आएंगे आकर ये कहेंगे मैं नाम तो देव दृष्टा बता, नाम तो देव दृष्टा बता, और आप इधर उधर की चक्कर काट बोलते नाम दो हमको, नाम के बिना क्या है हम क्या करें, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या ज्ञान और बुद्धि ले लो, पहले समझ ले दो। और समझ लेने का मतलब क्या है कि तुम्हारा मन साफ हो जाए, ये बात सुनाते हैं हमको किसी अर्चा द्वेष मत रखो, नफरत मत करो, गुस्सा मत करो, ये बात जब तुम्हारे मन में आ गया किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है फिर नाव की अधिकारी होगी। ये मतलब मन साफ होगा, और मन साफ होगा सतगुरु आठ बजा की उसके वाणी वचन सुनने से, अगर एक जलम गुजर जाए तो कोई बात नहीं है। जब तक आपके मन से हेरा फेरी नहीं निकला 420 वो बताता है थ्योरी बताता है, वो थोड़ा साफ करो तब आपको ज्ञान बुद्धि मिलेगी, ये शर्त है। हर हम कहते दो दिन मन जी इतने दिन आते जाते तो करे करे क्या तुमने, तुम्हारा विश्वास बन गया, ये विश्वास का खेल है, तो इसमें विश्वास ही नहीं आता उसका क्या मतलब है, बात सुन के आ जाते। मैं कई बार गुरुंग आश्रम भी कह देता हूँ कि भाई देखो तुम्हारा विश्वास का खेल है, आपका कितना आदमी और ऊपर होता है बारिश का ये कहीं नहीं, तो क्या है तो तुम्हारा विश्वास बैठा नहीं, क्या नाम लोगे तुम, मन साफ हो या नहीं, ये बात सुन के मन साफ हो जाए कि मेरा किसी के प्रति सदवेश नहीं है, क्वालिफिकेशन है वो बताऊँगा तो आपको क्या है। तो इसके लिए शब्द आया है नाम दान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल, चरण का नित्य ध्यान सुमण चित्र व्यापे काल। प्रार्थना करता है शिष्य कि नाम दान प्रदान कीजिए सतगुरु दीन दयाल, तू दीन दयाल है दान देता है, दान ये होता है कि जो नाम देता है वो किसी गर्ज के लिए नहीं दे, और चिल्ला बनाने के लिए देता तो कोई नाम नहीं हो उसका तो मतलब है, हालांकि उसमें वो रहता है बैठा उठा जाता है अच्छी बात है, ये बात नहीं शुरू से पर वो पर्पज नहीं सॉल्व होता। तो क्या दीन दयाल गरीबों का दयालु है आप, कि आदमी चाहे फिर मैंने क्या ज्ञान, तो अब जो यंग लड़का है जो उसको कहीं राम राम करा करो सर्वस करो गलत, उसको राम की जरूरत ही नहीं है, अरे वो कमा के खाना चाहता है या अभी हड्डी मांस दब रहा है पट रहा है शिक्षा दे रहा है, तो उसके लिए क्या नाम है,
उसके लिए है कि तू चरित्र ठीक रह कर पहले चरित्र ठीक नहीं होगा एक पूर्ण से ये बनता शक्ति बात खो देता है तो तू भी इसे मुँह पाड़ता गया लड़कियों तरह से मुँह देखा है और लड़कियाँ ने कहा तुम सौ लड़कों ने देखी मुँह पाड़ो कोई फायदा नहीं तो तुम्हारा ब्रह्मचारी आश्रम मत ये उम्र का जो टाइम है उसके मतलब पूरा हो जाए तब तक के लिए मैं सीधे कहता हूँ लड़कों को कौन समझता है मैं कहता हूँ कि लड़की देखते सब बहन लड़के देखते हो सब बहन भाई ऐसे समझो क्योंकि बेस है यार तो ऐसे समझेगा तो ठीक रहेगा नहीं तो वो गिरता रहेगा तो मैं बात तो सार कर देता हूँ पर मेरी बात तो बजरंग कोई क्या है उनकी बात तो समझ नहीं आती बात है। पहला यह एक आश्रम है जिसका ब्रह्मचारी बन गया कोई चस्का में लग गया ना वो चस्का में देखने में लग गया फोटो लड़का देखने से मोहित होता है लड़की देख के लड़की मोहित हो जाते हो तो वो आप गिरिए मन से आपका ब्रह्मचारी डिजोल्व हो जाता है वो नरम हो जाता है ब्रह्मचारी तो इसलिए उसको मन से और शरीर से दोनों से ब्रह्मचारी का पालन करना मन से यह करना है मन के प्रति विचार ही ना आए लड़की का ये है और मन से विचार करेगा तो मन ही मन वो करेगा और वो जो चाली लड़की देखते लड़की दो बड़ी उसकी तरफ देखते उसकी तरफ देखता है और देखे सॉरी पटिए तो जो पड़ेगा तो बसोरी आ जाएगा पढ़ाई पूरी नहीं होगी समझे ना तो ये पहले मैं क्या कहता हूँ विद्यार्थियों को ये नाम है यंग आदमी को ब्रह्मचर्य पालन करो चरित्र को ठीक रहो भाई माँ बाप के क्या मानो तुम माँ बाप को चलन स्पर्श करो ये करो वो करो बेस है यार जिसको ये नैतिकता है ना ये बेस है तो नैतिकता ये अगर ठीक कॉलेज स्कूल में हो तो बड़े अच्छा होगा अब खुद मास्टर की नैतिकता खुद नहीं है खुद अपने माँ बाप को परवाह करते हो क्या बताएंगे क्यों बताइए जो अपने माँ बाप को नहीं करता परवाह वो ये शिक्षा कैसे देगा कि चलन स्पर्श किया खुद करके ही नहीं आया और जो खुद करके आते पहले ब्राह्मण होते थे तो गुरुवाई करते थे वो श्रद्धा वाले थे भजन करके आए कोई पूजा पाठ करके आते थे और अब सबके सब आते शराब पीते जा देते और टीचर है तो क्या शिक्षा देंगे वो कहते कुछ रहते कुछ तो नाम दान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल तू दीन दयाल है तो इसका बदला कुछ चाहता है तो कृपा करिए बख्शे त्रानक बख्शे बेप्रवाह तू बगैर किसी की चाह बिना अपनी प्रश्न कर सके तो जो अधिकारी देखता नाम देता तू दीन है गरीबों का दयाल है और मेरे को नाम दान दीजिए फिर नाम क्या है वो कहता चरण का नित ध्यान रहे सुमरण चरण का नित ध्यान सुमरण चित्र व्याप्य काल चरण का ये मत क्या है कि चरण कहते गुरु को प्रकाश को प्रकाश गुरु के चरण है शब्द गुरु का रूप है तो चरण का नित ध्यान समझ ले और हमने समझा इस चरण का ध्यान है ये श्रद्धा का विषय तो ये बनता है बात नहीं कुछ है वह बात नहीं है तो चरण का मतलब होगा मिसा वो प्रकाश मेरे सामने है किन के लिए देगा ब्रह्मचारी अच्छा होता शुरू से चरण का नित उनको जल्दी आ जाता प्रकाश तो उसका नित ध्यान सुन लेता है और चित्र व्यापक काल काल में जो समय में घटना घटती है सुबह और खुश हैं और फिर थोड़ी देर वो कोई गलती आ गई दर्द होगी तो ये रंग बतो चरण का ध्यान सुन चित्र व्यापक काल काल कहते हैं वक्त के अंदर जो चेंज जाती हैं उनका आप असर नहीं हो चलते जाते हो एक आदमी गाड़ी काटता है एक आदमी कड़ी बात करता है और उसकी बात में बह जाते हो वही बात चरण का ध्यान टूट गया वो तो प्रकाश बढ़ेगा नहीं उसका मन इधर उड़ जाएगा इधर उड़ जाएगा तो मन को पक्का करने के लिए ब्रह्मचारी जीवन है और ब्रह्मचारी जीवन जाओ उसके बाद में जो चीज़ बताता गुरु उसको समझना है और समझने के बाद तो नाम लेगा जो तो नाम है और कोटला भरा पढ़ाई साद्वेष नफरत वाई के प्रति पत्नी पति के प्रति भरी हुई है और वो अगर ये ध्यान करेगा तो क्या होगा उसमें जो अच्छाई है वो भी बढ़ेगी और बुराई बढ़ेगी तो बुराई है अभी तक ये साद्वेष नफरत है काफ़ी तो साथ साथ वो बढ़ेगा जैसे क्यों वो पानी देते हैं ना तो क्यों भी बढ़ते हैं हर साथ साथ बत्थो और घास भी उड़ेगा तो फिर क्या करोगे उसको घास बत्थो काट दो और घास बत्थो काटने का मतलब जाके बात सुनो गुरु की समझो मन से हेरा फेरी चार चौबीस निकाल दो मन साफ करो साफ कर दिल के हुजरे को गुरु के अंदर बसता है तो सत्संग ये मिलेगा उसको ज्ञान और बुद्धि ज्ञान मिलेगा समझ मिलेगी तो ये लो पहली और ये लेने की शर्त क्या है कि आपने समझ ली बात दूसरे प्रति में क्यों सोचो करेगा सुनेगा जो मैं करूँगा मैं करूँगा पत्नी करी पति से बाबा बात सत्संग में बताता करो कि तो नफरत मत करो नफरत के बदले नफरत से बता रही है नफरत के बदले नफरत प्रेम के बदले प्रेम जो आपसे नफरत करता है उसे आप प्रेम करो तो उसकी नफरत खत्म हो जाएगी
आपने फर्क करता, आपने फर्क दोनों करते हो तो बुरी चाल तो आप लेकिन वो जगह वो विचार बन जाएंगे और बुराई का फल मन के प्रतिकूल घटेगा। तो नाम समझिए क्या, नामदान प्रदान कीजिए गुरु दीन दयाल चरण का नहीं ध्यान समरण, फिर वो नाम जो है वो मेरे सामने चरण क्या है गुरु का प्रकाश, ऊंची बात है बताइए वो चाहिए चरण का नहीं ध्यान समरण और चित्र में अपेकाल, आई समझ बात। तो ये फिर क्या सर्व समर्थ, आप समर्थ हैं सब, सर्व अंग संग हमेशा साथ रहते हैं, आधार जगत का आधार है आप, तो एक श्रीदारी हो सकता है इन चीज़ों का, उसने मान लिया उस गुरु को मान लिया सर्व समर्थ है आप, सर्व मेरे साथ अंग संग रहते हैं और सभी पूरी दुनिया का आधार है, आप हैं दुनिया का आधार मतलब सारा, गुरु को वो मान लिया है, यहाँ सर्व समर्थ सर्व अंग संग और सर्व जगतदार, तो मनुष्य देखो कोई हो सकता है क्या नहीं है, तो उसने मान लिया कि वो है, अब तब तो श्रद्धा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगा नहीं, अब बात तो रहती नहीं, देखते हैं कमी जाते हैं मतलब की खातर है, तो नामदान का क्या मतलब है यहाँ, सर्व समर्थ सर्वंग संग सर्व जगत आधार है, ये सब आप पूरी दुनिया का आप आधार है, चरण का ध्यान समझ चित्र में अपेकार, इसका चरण का ध्यान ले मेरा चित्र में अपेकार, फिर कुछ और कहीं कहते वो ये दे भक्ति दीजिए ताल दीजिए कीजिए मेरी शायलम वो शब्द है, मैं सभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो कहता तू सब कुछ करता है सारा काम आपका है, तो आप ये करो मेरे को आप भक्ति दो आपका सारा आसरा दो, भक्ति दीजिए और तार लीजिए भक्ति दीजिए मेरे को तार लम डूबता रहता तो सार सागर में, कभी चिंता कभी फिक्र कभी डर कभी भय, तो कहते भक्ति दीजिए तार लीजिए कीजिए मेरी सहाय, फिर और आगे लंबा शब्द है, फिर कहता वो शब्द सब शब्द हमेशा बचता रहे अंदर राम नाम ये हो जाए वो हो जाए, और कहता सुरत पावे चैन उसमें ये ऐसे सतगुरु दाता अपना कीजिए दे लंबा शब्द है, तो इसमें सब ये कहा नामदान दीजिए, अब नाम के लिए कहा है कि नाम है क्या, अब आप समझना है बातें आपको इसलिए बताता हूँ कि आप गुरुई का जो काम करेंगे इसमें वो जरूरी है, हर मांगेगा ये चीज़ तो उसको बता दें भाई देखो सत्संग सुन के आपके जो मन के विचार हैं किताब है आपके पास पढ़े पढ़े लिखे हो विचार हैं ये घटिया ठीक है आपको छोड़ देंगे, आप अभी आपके किसी के प्रति साध द्वेष नफरत नहीं है सब चेहरा दिनाम हो गया है, तब तो नाम दे दो आदित हो, जब ध्यान करोगा तो वह चीज़ बढ़ेगी, अगर बदमाश हो तो बदमाशी तो एक नंबर हो जाओगे, चलाक हो तो चलाकी बढ़ जाएगी, झूठे हो तो झूठ बढ़ जाएगी, नाम से मन एकाग्र होता है वह शक्ति आ जाती है आदमी, तो घटिया चीज़ वह भी बढ़ती है और बढ़िया बढ़ती है, तो घटिया चीज़ को सत्संग में जा करके वाणी वचन सुन करके किताब पढ़ करके समझ लो उस चीज़ को, नहीं समझ आती वो चीज़, आपकी किताबों में क्या है कि जो मैंने आखिरी चीज़ थी वो सब लिख दी, अब उसकी कौन दर कौन करे, अरे सारा ये काम जो पूरी ज़िंदगी उसने सेवा करनी थी पैर दबाना था ये करना था तन धन देना था वो देना था, अरे आप बगैर टक्कर पैसे आ जा भाई किताब जो आदि गले भाई ये किताब ले जा पढ़ ले अच्छी लगे तो फिर बाद मत करा, पहले दिन जाते दे दिया तो वो गजब काम होगा, तो मैं क्या कहता हूँ तुमको ये किताब अच्छी लगे ना तीन चार बार पढ़ो अच्छी लगे तो फिर बाद और ले जाना अच्छी नगद मत ले जाना, खुद ही पढ़ाना दूसरे को पढ़ाना आपने ये डियर को पढ़ाना सबको, तो बात तो बता दी बात समझ आ जाए मैं क्या करूँ कि ये खुद पढ़ना अच्छी लगे ना तब तो अच्छा है नहीं लगे तो नहीं है, तुम्हें ये को नहीं कहा मेरी किताब पढ़ोगे जब तुमको ठीक हो ना, खुद मेरा अनुभव है मैं लिखा है, मैं कहता हूँ कुछ बार से नहीं आता है सुपने में कुछ आता है कि आदमी इकट्ठे हो गए ये हो गया रात कमला उस आदमी देखा आदमी आ गया इकट्ठा आया बार बार विचार था मकान बदली करती रही बसेंस का आदमी हुए थे और वो अड्डी परेशान हुई ना तो उस वक्त उसको मान्या बुरा मान्या दुख दुख पाई कि ये क्या करूँ अभी ये क्या करूँ ये क्या करूँ, और वो विचार सुबह के नीचे से मिनट के ऊपर आगे समझिए और समय आने पर डेवलप हो गए आ जाते हैं सामने अपने आप भी आ जाते हैं मुझे ध्यान करने से जल्दी आ जाते हैं, तो बाहर से कुछ आता न तो गुरु आवे न पीर आवे न देवी आवे न राम आवे न भगत आवे, कौन आता है आप हैं आप में शक्ति आप ही सुरंश आप पैदा करते हो हट राम का रूप आ गया, तो वो आपकी मान लेता है वो आप मानते हो तो आपका काम करेगा सब कुछ, राम सबकी मान्यता नहीं है या तो मान्यता है या तो आपका विश्वास है एक जगह मोहम्मद मोहम्मद का अगर ध्यान करें मोहम्मद आ जाएगा,
ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਵੇ ਨਾ ਰਾਮ ਆਵੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਆਵੇ ਗੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਤ ਪਹਿਲੇ ਦਰਦੇ ਕਾ ਜੋ ਜੋ ਅਭੀ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਦਰ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਰਸ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਧਿਆਨ ਜਮ ਜਾਤਾ ਇੱਕ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਸਕੋ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇਰੀ ਮੇਰੇ ਗਿਰਦਰ ਕੋ ਪਾਲ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪ ਕੇ ਐਸੇ ਹੋਤਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੋਤਾ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਖੰਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਬੋਲੇ ਐਸੇ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਥਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੁਮ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੰਗੋਟਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾ ਹਾਂ ਵੋ ਹੋਤਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਖਾਬ ਖਾਈ ਸੇ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਮੁਕਰਬਾ ਬਾਦ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਬੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਅਰੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿਆ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਕਿਆ ਆਤਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਰਾ ਆਪ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਬ ਇਹ ਸਭ ਬਾਤ ਲਿਖਦੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਤਾਇਆ ਕਰੋ ਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਕੋ ਗਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਆਪਕੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਿਆ ਬਤਾ ਦਿਆ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੁਆਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਹਿ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਸਭ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਜਲਦੀ ਉਸਕਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾ ਉਹ ਸੌ ਸਾਲ ਜੀ ਖੁਦਾ ਬਲੇੜੀ ਜਲਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਕਹੋਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਭਈਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਅਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਪਕੜ ਲਓ ਪੱਖਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦੀ ਮਤ ਕਰੋ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਤਾਣੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਾਮ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਨਾਮ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਸੀ ਐਨ ਸੇ ਇਹ ਬਤਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ ਆਪਸੇ ਨਾਮ ਸੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇ ਬੀ ਸੀ ਐਨ ਜੋ ਹੋਵੇ ਦਾਸਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਛੱਡੇ ਪਹਿਨ ਲਓ ਚਾਹੀਏ ਕਰਨੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਖਾ ਲਓ ਪੀ ਲਓ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਗਰ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾਏ ਕਾਮੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਦਾਸਾ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਦਾ ਮਲਾਸਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਸਾਤਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਕਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਨ ਬੈਠੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਨ ਸ਼ਾਹ ਦਨਪੁਰ ਔਰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਬੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ 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 ਲਗਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇ ਜੋ ਹੋਵੇਦਾ ਸਭ ਪਰਮਾਰਥ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਧਨ ਧਨ ਔਰ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਜਾਂਦੇ ਛੋੜੀਏ ਅਬ ਕਲੀ ਉਸ ਕਹਿ ਭਾਗਵਤਾ ਪਿੱਛੇ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਚੁਕਾਓ ਯਾਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਯਾਹੀ ਪਟਾ ਲਿਓ ਹਰ ਉਸ ਕਰਦਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਹਾਏ ਮਤ ਕਰੋ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਭਗਵਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢਤਾ ਬੋਲੇ ਜੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲਏ ਜੇ ਤੋ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਆ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਨਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਜਾਮਨਾ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਧਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸੰਤਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੂੰ ਤੋ ਖੂਬ ਖਾਊਂਗਾ ਖਿਲਾਊਂਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਬ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਸੇਠ ਸੇਠ ਹੈ ਸੇਠੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਠਾ ਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹਰ ਸਾਧਨ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੇਠ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਚਾਰ ਪਾਈ ਦਮ ਦਮ ਛਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਬੈਠ ਜਾ ਅਦਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਦੋ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੇਕੋ ਅੱਜ ਜਾ ਦੋ ਅਦਰੀ ਬੋਲਦੀ ਉੱਪਰ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਛਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੁਰਸੀ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਉਹ ਫਕੜ ਪਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥਾ ਲੰਗੋਟੀ ਥੀ ਤਾਂ ਲੰਗੋਟੀ ਲਾੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਸਤੀਓ ਕੇ ਲਈ ਹੈ
ऑफिसर आईएएस है तो आईएएस की तरह रहो, शेठ है शेठ की तरह रहो, अच्छा खाओ पियो। बात तो मन का खेल है, मन की स्थिति बदलनी है, मन को गठिया से विचारों से बढ़िया में डालना है, समझे। जरूरत क्या बताओ, सब रखो दुनिया में रहते हो तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं होगा, होना चाहिए। आपने शायद कई बार सवाल करे, अगर इच्छा जो नहीं करेंगे फिर इच्छा छोड़नी पड़ती है, वहाँ तो वो छोड़नी पड़ती है, कहाँ से यहाँ सेटिस्फाई हो गए तब। अरे इस लोक में जीते हो तो आपको सब कुछ चाहिए, इस लोक के अंदर ऐसे आदमी को सब कुछ चाहिए। बस तो आदमी उठाने के भी चाहिए, खिलाने के भी चाहिए, ये भी चाहिए, रिश्ता में बात करनी चाहिए, सगड़ा काम करना चाहिए, फिर कर्जा लेने देना उनका सबका। तो इस लोक में होते इससे जो सब लोग के पास कुछ नहीं है, समझे नहीं आप। मेरा एक दोस्त था, कई साल की बात है, मेरे पास आ गया बचपन का, अपना साधु बनाया, महात्मा बनाया, फिर आर्य समाज स्वामी का पुराने दौड़ा रख रहा गया सब। मेरे घर आ गया, खाना खुना खाए बैठे, हम बात चीत करी, पुरानी बात करी बचपन की, और महात्मा बढ़िया बात वाली सी बात तो वो कर ला गया, वो ठीक है। फिर मैं बोले वैसे कोई बोले यार मैंने को नीम की दांत दे दो, तो नीम की दांत तोड़ ही रह दी। बोले यार तो क्या मैं यार बात ऐसी है, मैं असल में बहुत टाइम तक लादुराम मुक्त रहता हूँ, सच्ची बात बताई। ये बोले तू मुक्त है? अरे यार ये मकान बना रहा क्या है, ली रहे बैठक बना रहा की रहे, ये बना रहा क्या होते हैं, अच्छे कपड़े पहने रहे, चोखा खा रहे, भैंस गाय रख रहा की, तू यार कैसे मुक्त हो सकता है, इसका मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऊपर ये समझते थे बात को, मैं कह रहा वो बातें हैं राधुराम, तो समझा कोई बात। बोले क्या? मैं कहा ये सब चीज़ है मेरे पास में, मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई गुम होगी चीज़ों में कमजे तो दुखी नहीं होता मैं, क्योंकि पहले समझ रहा कि उसकी ताकि वस्तु आगे रखे नाने किसके कुछ नहीं आते। तो मैं कहा समझ से यार रख रहे, समझ है मेरे को। तो बोले ये जो ठाठ ये होना चाहिए इधर, मैं सम हूँ और सुधर में उस था उस वक्त बाद में कैप्टन बनाया, तो मैं एस एम हूँ, एस एम अच्छा आदमी अधिकारी होता फौज का, कोई मेरे पास एस एम आएगा तो क्या संग देखेगा, कम से कम मेरे दर्जे का आदमी को पता है भी इसके बैठने की जगह है, कुर्सी है घर में ये है, और कभी रात को सोता तो कोई गदरे गादरे पर आगे रख रखे, एक दरी है एक गदरा है एक उसके चादर उठा रखे अच्छी, और एक जले गले का थोड़ा सा ये चिला दूँगा, नया गिलाफ सुना कर दिया ऐसे तो होना चाहिए। बोले अच्छे यार मेरे यार जच्ची को नहीं बोलो कि तू सन्यास सोच रहा है, वो आप सन्यासी बात रहा था कि तू सन्यास हो, भाई सन्यासी हो सन्यासी हो, अब नमन तेरी मर्जी की बात है, सब कुछ होना चाहिए बुद्धू हो तेरे पास, ये बोलने की ऐसी बात नहीं है, दाड़ा रख दिया छोड़ दिया ऐसी बात। तो बात ये लोग सन्यासी हो, अब कलयुग के अंदर ये थ्योरी है, सब कुछ आपके पास होना चाहिए और सबसे मोह नहीं है, होना चाहिए क्योंकि जमाने का काल के मुताबिक दुनिया कर दुनिया मुताबिक दुनिया फिट होना चाहिए। दुनिया का आदमी है ना, क्या है शादी हम सब दुनिया में करेंगे, तो दुनिया से फरार नहीं होना चाहिए, दिखाओ कर रहे हो और मोह कोई है नहीं, तो वो भी विषय से होता सब परमात्मा की जमना सा धन संतान प्रीत नहीं, प्रीत का मतलब मेरा ये नहीं, अगर लड़का चला गया हाँ वो आप मत करना, तेरे पिता को लेने देने के लिए आया था उतनी टाइम मिलेगी, चला गया सत्तर ले रहा तेरा, तो उस बात को समझेगा हाय मत करे, इतनी देर के लिए आया था, न तेरा बेटा था न कोई लड़ने दे रहा था, मांगे था तेरे खूब खा पी करके और टाइम आई सेवा ही चला गया, वो इतना नहीं लड़ने दे रहा था। अब यह बात बैठे को नहीं, जो मोह छुटे को नहीं, तो इसके लिए कहा गया गुरु का ध्यान लल प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, इन सब चीज़ों से डिटेज हो गई हो एक मन लग जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, समझेगी बात। तो पहला दर्जा जरूरी है, जिसका पहला दर्जा नहीं आगे बढ़ते गए बढ़ेगा नहीं, बात बना रही भाषण दे दे के तय तय, पहला दर्जा जरूरी है। तो सदा मेरी एक्सेप्शनल बात एक्सेप्शनल है मेरी, अब आप बताऊँ गोरी मैं ज़्यादा जोर कहीं ज़्यादा कहते कहीं बूझ से बता देते हूँ यार ऐसा हो गया, पहले ही हो गया था, अब वो सोचते पहले अरे मेरे को काम को पता नहीं था यार, कोई हेरा फेरी नहीं थी यार, गाँव का निश्चित आदमी था, रेंग तो मिलकर सुधारी थी लेकिन छल कपट सिद्धर कोई था ही नहीं, ऐसे ऐसे फिर इस रूप साल्ट। तो वो नकल जो करते हैं वो बेवकूफ़ है, उनको समझ नहीं, तो वो समझ लो सत्संग में कि समझा है जो हमेशा ये तुमको विषय सब कुछ आपके पास होना चाहिए, उसके मुँह नहीं मेरा नहीं समझो, चला गया तो कोई बात दुखी नहीं होगी, और आ गया तो बहुत से बेटा पता तो नहीं समाप्त होगे ओहो, और नहीं चला गया तो रोगे, इसका मतलब विषय से मोह नहीं है।
धन संतान प्रीत नहीं था के जगत पदार्थ चाह नहीं था के। अब ये सब जगत पदार्थ है सब, तो चाह क्या मतलब चाह नहीं था कि ये मतलब मेरे पास ये औजार ये औजार ये औजार नहीं, मुताबिक जो होना चाहिए था भैया जगत पदार्थ होना चाहिए, लेकिन ये मतलब पदार्थ जो है मन लगा दिया मेरा है मेरा है, होना चाहिए आन बैठ जा बैठ के बात कर ले, आपका मोह नहीं होना चाहिए, वो है पर किसका उसका है, उसने दिया हुआ है। बिरे बाण जी हृदय ला गया, बिरे का मतलब ये समझ गया ये बात सत्संग गुरु के कि यहाँ पर कुछ है नहीं, बाबा निकली चला गया सब इधर जाएगा, बाप दादा जाते तू चला जाएगा, तो पता ये बात ही नहीं से बैठी आज है कल नहीं रही कोई बात नहीं, आज का दिन खुशी मना रहे हो। ये किताब लिखी है ना मनुष्य जीवन का सुख में सफ़र, तो सुख में सफर ये कहते हैं सफ़र तो रोज ये करते हैं हम, रोज सुख बनाते हर टूर पर जाते थके तो कोई बात सुख में सफर उसको सुख बना दो, क्या सफर ये चीज़ देखी आज ये काम करें आज उसके लड़ाई झगड़ा हो गया कोई बात की नाराजगी होगी और तो आपको ज्ञान हो गया कि मैं क्यों नाराजगी करूँ, नया अनुभव हो गया। ये सफ़र तो रोज का करते हैं सुख में करे थे दुख में करे थे, तो इसका मतलब एवरग्रीन हमेशा हर आत्म खुशी उमंग, तब नाव का अधिकारी बनता है। मेरे बाल जी जला गया खुद फिर सादगुरु है, वो सादगुरु देखता फिर ऐसा त्रास कर रहा है, तो कहता ऐसी करनी जाके देखें आप ऐसा चतुर्थी मिले जिसकी कोई साधु मिले पूरा महात्मा मिले और मेरा ज्ञान दे जाए, जो थल कपट शेयर हो पवित्र आत्मा हो मेरे को ऐसा मिले। अब सुनिए कहते मेरे बाल जी जला गया खुद सादगुरु जा गया साध फकीर मिले जो कोई सेवा करे करे दिल दो ऐसी करनी जाके देखें आप ऐसे चतुर्थ मिले, ये नाम का अधिकारी कारण है कि भाई कोई इसी तरह तो मेरा ना कोई आया इतना निश्चित कोई बात किताब पढ़ी को तो घूट दूंगा लिख करिए बता दिया तेरे पास में, पर नाम के लिए फिर नाम इधर नहीं है भैया संक्षेप में कर रहा हूँ भी नाम यहाँ नहीं है, नाम रहे चौथे पद माई और तुम रोडे त्रिलोकी माई शरीर मन आत्मा देखता है, त्रिलोकी शरीर मन और आत्मा तो देखता है इनके अंदर चौथा पद क्या है अब ये बताता है कि पहले तू ध्यान करते हुए सूरत को निकालेगा शरीर से तो मन पर आ जाएगी, मन रूप बनने लग जाएंगे एक दर्जा पार करेगा गुरु का रूप आएगा और खुश हो जाएगा बिल्कुल से ठीक है और ऊपर निकलेगा मन से शरीर कोई मकड़ी कीड़ा चढ़ा कोई भी होश नहीं है। चौथे पद में स्वर्य शरीर से निकालो ये ध्यान करते हुए पहले मन टिक यहाँ पर और दूसरा है फिर जब ये करता है तो गुरु जी आए ये कर दिया गुरु जी आज ये कर दिया ये कर दिया ब्रह्म ने इसका गुरु फिर ये बात सुनो तो वो अनुभवी पुरुष बताएगा तेरे को तेरा मन साफ मतलब तो अपना आप हो जाएगा तेरे पास तो वो अनुभवी पुरुष बताएगा तेरे को कि देख ऐसी बात है कि तू जो से जो ध्यान निकला है ना और ये रूप जो तेरे पास बनता है ना गुरु जी का आता वो बाहर से नहीं आता कोई वो कहता मैं यार तेरे मन नहीं आता तू मेरे गुरु कहता मैं सच्ची बात कहता हूँ तो कौन गुरु आता तेरे तेरा ही श्रद्धा से बनाता तेरे में शक्ति है वो तेरी श्रद्धा से बन जाता है नाम नाम भी बन जाता है और प्रकाश भी तेरे से हो जाता है शब्द भी तेरे से आ जाता है सब कुछ तेरा भूत भी तेरे याद देते विचार से जो इंप्रेशन से जैसे पड़े हुए सब कहीं जैसे मैंड पर वो समय पर प्रकट होकर सामने आ जाते तो बाहर से कुछ आता नहीं जाता नहीं फिर वो गुरु समझा के बताएगा ये तो तेरे ही मन की बात है ये तो मानसिक योग में तो मन के मंडल में आगे चले तो आगे क्या चलो ऐसे आगे देख तो क्या आता है रूप को छोड़े तो रूप को छोड़ेगा इधर से तब यहाँ से खट दे प्रकाश आ जाएगा सफेद रंग का बगीचा दर्जा ही अलग अलग पहले दर्जा में रंग सारंग बगीचे मस्ती खुशी है वो आगे प्रकाश आ जाएगा प्रकाश का कई दिन ध्यान करने से वहाँ पर नहीं तो वो विचार आएगा विचार खत्म न कुछ आएगा अब सिर्फ आप होंगे और वो पानी के अंदर आप बस ही तरह तरह तरेंगे ऐसे हन लेते रहे तरह तरह से बता दें हंस करे प्रभानंदा सदा अभिलास त्रास नहीं मतलब कई तरह फिर सतपुर कहता है सह सठासी दी निवासा इतनी दीप फैनी से कोई हिसाब नहीं इसके लोग तो वो आ जाते हैं सामने और वो करता है तो सह सठी दी निवासा ये कर रहा हंस कर रहा प्रबंधा सब और मस्ती करता फिर ये सुन ब्रह्मचारी बन गया एक मस्ती लेता और उसको बाहर का गुरु फिर देखता है क्या करे ब्रह्मचारी जी कैसे हो शान रहते हैं हमेशा और ये मंजिल नहीं है आपकी जिस काम के लिए ध्यान करते थे वहाँ पूछे नहीं आप तो वो कहाँ वो शाग है इस आनंद को छोड़ो आप इस मामले को छोड़ो पर वो जरूरी है पहले अगर नहीं हो गया तो पता नहीं उसका क्यों मन साफ नहीं होगा
विचारों में उड़ जाएगा, विचारों से निकलने के लिए जरूरी है मन को ज्यादा पवित्र करना। चौथा पद बताया ना इसमें, तो तीसरा पद आ गया। तीसरे पद बातचे सुनोगे तो सुना ध्यान रहेगा, मस्ती खुशी रहेगी, बस तो वो खुशी खुशी दुख इसका नाम नहीं था, कुछ नहीं आएगा, आनंद है। इसको स्वर्ग कहते थे पहले, भाई स्वर्ग में गया भाई ये सुख ही सुख, नरक में गया भाई दुख ही दुख, हरा मार दिया रहा, ये कर दिया रहा, वो कर दिया, तरह तरह और जो शांत रहते थे। तो ये तीसरा पद जो है ये आनंद का है, लेकिन जब तक शरीर ठीक आएगा फिर नहीं आएगा, परेशान हो जाएगा। तो उसको कहता तो आगे चले, अब तो थप गुजारे आगे तो चले गए, इसको छोड़ प्रकाश को, इसको छोड़ के आगे दम करेगा, आगे तो करेगा दम पे ध्यान करेगा, तो फिर वो इधर जब चैताड़ू ये टिप टिप करता है, या आने कोई देना है, न कोई देना है, न कोई बाजे न कोई बाजे, एक मिट्टी धुन है, धुन सुन के मन समझाई, मिट्टी धुन आएगी आपको और वो धुन का आप साधन करोगे। और इसी का नाम अलग है, जिसका मतलब जिसका छुया नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, कुछ अनुभव किया जा सकता है। तो मैं बता दूँ अनुभव क्या है, मैं उड़ी मिसाल देता हूँ, वो अनुभव होता है। अब वो तू ही जानता है, वो बात को और जानता नहीं, तो नहीं गया वो मानेगा नहीं, तो नहीं मानेगा उसको दिखाना है फिर ये कभी ऐसे ऐसे आ, फिर तेरी हालत बना फिर बेचारी के लिए आ जाए, इधर आएगा तो मिलेगा तेरे को। प्रकाश के लोग से ऊपर निकल, तो ऊपर निकलेगा तो वहाँ पर क्या है, इधर से धुन नहीं किसी दी, जिसको राम नाव कहते, सत नाव कहते, निज नाव कहते, सार शब्द कहते, पता नहीं कितने नाम उसके बोल दिए उसका, ठीक है ना। और शिव क्या मिलेगा, गीता में 18 नाम लिखे हैं, 19 नाम, गीता सुनने से मुक्ति मिलती है, गंगा जिस सुनने से पाप करते हैं, गीता गंगा से गायत्री, गायत्री जो गाया जाता है अंदर गीता है अंदर वो धुन है, गीता गंगा से गायत्री, सीता पवित्र लेडी थी दरवाजा, सीता सत्या सत्य 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 है, सीता सत्या ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म प्रकाश को देखने वाली बात है उसकी विद्या, त्रिसिंध्या तीन टाइप की सिंध्या है, और अर्धमात्रा गीता अर्धमात्रा, चिदानंदा सदा आनंद देने वाली है, अब बहुगुणी ये गुणों का कोई अंदाजा नहीं है, भयनाशनी ये तो गीता ज्ञान चाहिए उसकी योगी का है, शीर्ष प्रज्ञेज होते हैं उनका ये हालत है कि हमेशा है बहुगुणी भयनाश, भय कोई किसी तरह का नहीं होगा, ये भाई 18। तो बीच में इशारा देखिए ये वो गीता बता दी, बात वह एक है, बात वह एक है कि आप इधर आगे चौथे पद में आगे, अब इधर से चलते चलते यहाँ से फिर ये आगम कहते हैं इस स्थान को, आगे जो शाग आती है ना इसे, ये इस शाग है थोड़ा, तो इसको आगम कहते हैं, आगम का मतलब कि जिसका कोई किनारा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं, कोई नाप तोल है, और बयान से बाहर है, अनुभव है, वो खींचती रही सूरत, खींचते खींचते इसमें कोई ज़्यादा मिला नहीं है, खींचते खींचते तो चोटी के पास आएगी, उस वक्त न तो वो शब्द रहेगा और न वो सूरत रहेगी, ये सूरत जो है शब्द में मिल जाएगी, सूरत परमात्मा मिल जाएगी, ईश्वर मिल जाएगी, बस शक्ति मान शक्ति है ना उसमें जाएगी मिलेगी, उसमें मिलेगी बात खत्म, खिला खत्म, फिर क्या कुछ नहीं। तो कोई बोले ये कहाँ होता है यार, ऐसे तो होता था नहीं, जब मैं पहला नींद मेरा कर मिसाल या नींद आड़ी कि यह हाल तो कि आप क्या करें, कोई विचार ही नहीं रहेगा, कोई दुख सुख है ही नहीं वहाँ पर, जितनी देर मिले लोग उसमें कोई नहीं, और वही तब रोज क्या बोलेगा, कोई ऐसा बताता है बात वही सीधा नहीं बताता थेगा कि तुम घर ही नहीं जाते हो, तुमको कुछ वास्ता है, ये स्थिति वो वहाँ की समझे कि नहीं। पर फकीर जी ने जरूर कहा, कई बार कईयों ने कहा मौत सारी कहते नींद आदि मौत है, ये है वो एडजेक्टिव तो है ही कुछ बताया, तो वो बोलता आपको बता, आज का आदमी ने कहा ये है भाई बता दे गहरी नियम तो क्यों वास्ता है कि नहीं, तो उसमें मिल जाएगा फिर कुछ नहीं, ये गोबरम दुखती नास्ती उसे मिल जाएगा तो फिर कोई चलता नहीं, और फिर वापस दोबारा होश आता है, इसका मतलब प्राकृतिक थी रोज का, और जो साधन करेगा वो साधन तेरी मर्जी से होता जाएगा, तो साधन जो छुट्टा करें आखिरी टाइम पर फिर ज़्यादा टाइम पर ये रहते कमला कहते सो में जाना आप, मैं देती हूँ आपको पढ़े रहना सो में जाना, फिर वो ही आता है मैं बेबसी में चला जाता हूँ, अभी को बता चलता है सो जाता है, नशे में कहता हूँ नशे में रहता हूँ नशे में रहता हूँ कहीं नशे ना तो कुछ नहीं, साधन बैठे बैठे सहज में आप सो चली जाती है बेबसी में आ जाता हूँ और फिर होश आ जाता है। तो ये तो है मेरा रोज़ के काम, अभी अंत समय में क्या हो पता नहीं, अगर अंत समय यह हाल तो ही तो मैं अभी जीवित ही मुक्त हूँ, अनुभव कर लिया अनुभव मुक्ति है क्या, उसमें मिल गया फिर की बात ही खत्म होगी,
तो ये नाव कहते हैं, नाव वाले चौथे पद में, ये चौथा पद है। जब आप गरीब जाते हो चौथे पद में चले गए, ये तो प्राकृतिक रोजगार रोज और कुल निकाल करेगा इसमें। चार दिन नींद बताओ आएगा तुम लोग, अगर वैज्ञानिक अगर वो कम पड़ेगा सुना हो कई दिन कई दिन में हाँ ठीक हो जाएगा, समझ आ जाएगी, ठीक है नहीं। तो चौथा पद कहाँ है, चौथे पद के अंदर क्या है, कुछ नहीं, उसी का एक 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 हो। तो नाव का अधिकारी वो है तो बोलो बता बताने बताने ये मामला भाई, नाव तो क्या है कहाँ है और इसका अधिकारी कौन, तो है क्या इसका अधिकारी, तेरे विषय में वासना है कोई यहाँ से, बूढ़ा हो रहा अभी रोजाना पति मेरे साथ सोते हो, सख्ती तो तेरी निकल रही है, तो खुला नहीं बता करिए, इज्जत अदब से बता दो कि भाई विषय विकार से सख्ती निकल जाती है, सुन ला जाती है और वह गिरी भरी रहेगी तो तेरे उमंग रहेगी, एनर्जी है उसके अंदर, इन वह ऐसी फील्ड है कि आप बैठ नहीं सकते, काम करेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ काम, और जब ये ख़त्म हो जाती है उसके बाद डिला हो जाता आदमी, तो अति वो साधारण होता है, एक दो बच्चा पैदा करता कोई बात नहीं, देखिए अति हो जाती है ना, अक्सर सोबिलिटी बैड अति हो जाती है तो वो बेचैन हो जाता है, बेचैन हो जाता है तो चैन नहीं मिलता, तो वो नशा करने लग जाता है, भंग पिएगा या सुल्फा पिएगा थोड़ी देर नशा रहेगा, रोटी खा लेगा थोड़ी देर नींद आ जाएगी, ये नशा ये वो आदमी करते हैं जिनकी बेचैनी आती है, और फिर करते करते ज़्यादा चला देते हैं, क्यों तो वो करते हैं रोज़ के लिए सारे से करते रहते हैं, तो ये तकलीफ है। अब ये चीज़ है सुननी, कहीं जा नहीं सकती, हर करते सब कमी है, सब है, समझे कि नहीं, तो वो ऐसा है कि जिस आदमी इस तरह आदमी होता फिर मुझे मोहित नहीं होगा, ड्रामा पीस करेगा वो, मोहित नहीं होगा वो, क्यों वो जानता है कि जीत ही है, और दुनिया का ड्रामा करता रहेगा वो, पति तो उसके साथ वही बात कर लेगा, उसके साथ अच्छी बात करेगा। तो नाम रहे चौथे बोले चौथा समझिए, नाम का अधिकारी कौन है वो, उनको बता दे तो है बढ़िया ये अभी देता हूँ तेरे नाम है मामूली बात यार, तो ये तो मामूली बात है नाम, तो तेरे मामूली हो तेरे अंदर तू तो है नाम, उनके नाम क्या है, तो अपना आप को पहचाना, अपना आपको समझ लेना वो नाम है, तो वो भी तो पहले मन तो साफ करे, तो इम्प्रेस दिमाग को वो खलल दूर करे, और प्यार अगर तेरा प्यार हो गया सबसे कोई तेरे थप्पड़ मारेगा तो क्या करेगा पता, ईसा मसीह को कहेगा साहब एक थप्पड़ अभी तुम्हारा तब वो मेरा दूसरा और कर दोगा, ईसा मसीह बताते मिसाल की ओर कह नहीं गया, तो ये उसकी हालत हो जाती है किसी एक थप्पड़ मारा तो भाई एक और वाले भाई, ठीक है नहीं, तो वो आदमी नाव का अधिकारी है, समझे कि नहीं बात, मतलब क्या कारी तो वो अधिकारी है, तो ये बात बता देगा तो वो गस गस को नहीं करेगा ज़्यादा, नाम तो तू ही को नाम तो तू ही को अभी कहीं ना बोले वो लाल तो ये नाम तो दे को नहीं वो, अरे क्यों को दे बैठे बैठे उन्होंने नाव नाव जाता है, तो श्रद्धालु हैं एकदम लट्टू हो जाते हैं एकदम खिंच जाते हैं, बिल्कुल से प्रेम हो जाता है, प्रेम 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 से मामला होता है, वो सुनते सकते हैं ठीक, अगर ठीक है तो अगर वो ज़्यादा बह जाते हैं तो ज़्यादा काम ही वैसे दिमाग बिगड़ जाता है, अभी समझ बात, तो तुमको तंग करेंगे लोग नाम के लिए, तो नाम की हालत बता दे भाई तेरे ये साथ में इसको तेरे को गाड़ गुड़ दे तो गुस्सा होगा बोला तो रहने दे नाश कर लेगा, नहीं तो नाम बड़ी बड़ी ताकत है इकट्ठा करना पड़ता है, और इकट्ठा होगा तो दो गठिया विचार भाई बढ़ेगा और बढ़िया दोनों, तो गठिया विचार उठा दे भाई तेरा मन साफ हो गया है, सबके प्रति प्रेम है, सब कुछ है, तो नाम ले बताता हूँ, दो मिनट का काम है, कोई देर ला गई और ध्यान मिलते हैं कोई देर ही नहीं है, तो गुरु नानक देव विशाल देव नानक कहते हैं नानक नजरी नजर जाल, कहीं ज़्यादा देर की जरूरत नहीं है, नजर भी नहीं होती होगी नजर से एकदम से, तो ये नाम कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, तो नाम तो आसानी पड़े पहले नाम की क्वालिफिकेशन कर लो, विदेश में पास करेगा तो कॉलेज रहेगा पी यू सी वगैरह करेगा, ठीक है ना, तो ये मामला भी है, तो आज आपको समझ दे दी किसी चाहिए नाम के पहले बताया हमने ये आज और बता दी दोनों को, कैसे नाम मांगा बोलो नाम दे दिया, नाम मोदी बात नाम नाम तिरंदी है वो छोटी सी बात है।